रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, एक नई टॉपिक, क्योंकि अब आप बनने वाले हैं एलपी। एलपी के लिए आपको यहाँ दिख रहा होगा बहुत सारे सिग्नल हैं, लगता होगा ये दुकान पे रखा हुआ समर्सिबल पंप है, लेकिन एक्चुअल में ये रेलवे में यूज होने वाला, यानी कहें सिग्नल यूज इन रेलवे एंड मेट्रो रेलवे, इतने टाइप के सिग्नल यूज होते हैं। इसके अलावा और साइनेज भी यूज होते हैं, इंडिकेशन लैंप भी यूज होते हैं, वो अलग चीज़ है, उसको अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो अगले क्लास में। तो यहाँ पे हम केवल सिग्नल की बात करते हैं, जो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता है, लेकिन ज़रूरत पड़ता है एलपी और ड्राइवर को, यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये किसकी कहानी है? ये सिग्नल की कहानी है। अगर एक सिग्नल मिस होता है तो एलपी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, ड्राइवर अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म करता, और घटना का कारण यहाँ शुरुआत होती है। अब सोच सकते हैं कि एक सिग्नल पे इतनी दुर्घटना हो सकती है, तो एक ड्राइवर पूरे अपने 8 आवर की ड्यूटी या एक्सटेंडेड ड्यूटी में कितनी मेहनत करता होगा, कितनी सिग्नल को पास करता होगा और कितने इंडिकेशन को पढ़ता होगा। तो अभी आप विद्यार्थी हैं, जब जॉब में आएंगे तो सारी चीज़ें मोबाइल चलाना भूल के सिग्नल देखना याद आ जाएगा। तो चलिए सारी चीज़ें को एक एक कर करके चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ऐसे चीज़ की डिस्कस कर लेते हैं जो आपको लाइफ में काम आ जाएगा। यही तो है यूट्यूब की कहानी, कि कुछ ज्ञान आप सीखें और कुछ ज्ञान हम भी सीखें, नहीं तो क्या फ़ायदा ड्राइवर बन के और कहिएगा कि रेलवे लाइफ एलपी चैनल कुछ नहीं बताया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज कुछ टेक्निकली टर्म का, रेलवे का ड्राइवर का। बहुत सारे पैनल भी आ चुके हैं और करीब 13,000 लोगों का नाम भी आ चुका है पैनल में। कुछ लोगों ट्रेनिंग में हैं, कुछ लोग बाहर हैं, तो ट्रेनिंग वाले तो हमें ही बताएंगे क्या हो रहा है वहाँ, लेकिन जो बाहर है उनके लिए हम बताने के लिए कुछ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जब सिग्नल की बात करते हैं ना, तो सिग्नल आई है ट्रेन का, जैसे हमारे लिए 6x6 आई लिया है रेलवे, उसी तरह रेल का आई है सिग्नल। क्या है? आँख है, इसके बिना रेलवे को कुछ नहीं दिखता कि क्या हो रहा है। तो ड्राइवर को उस आँख में अपनी आँख को 6x6 को जोड़ के रखना होता है, इसीलिए कहते हैं एलपी इज मेडिकल स्टैंडर्ड A1। अगर फेल तो घटना घटी दुर्घटना घटी, यानी रेलवे की दुर्घटना घटे उससे पहले कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, क्योंकि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड आप नहीं है। तो चलिए सिग्नल की बात करेंगे, तो दो सिग्नल होता है। पहला सिग्नल को बोलते हैं कैब सिग्नल, ध्यान दीजिएगा समझिएगा, मेट्रो और इंडियन रेलवे सबके लिए बात होती है। कैब सिग्नल वो सिग्नल है जो आपको ड्राइवर या एलपी को ट्रेन में दिखता है, उसकी इंडिकेशन होती है, उसकी मीनिंग होती है, इसको देखेंगे। लेकिन कैब सिग्नल आपको ट्रेन में ही ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, इसका अलग ऑप्शन होता है। यहाँ हम बात करते हैं रूट सिग्नल की, कौन से सिग्नल को? रूट सिग्नल की बात करते हैं। और रूट सिग्नल को क्या बोलते हैं? फिक्स सिग्नल, जो खंभे पिलर या छोटे छोटे पोल पे लगी हुई खंभे होती है, उसे बोलते हैं रूट सिग्नल। तो रूट सिग्नल की हम यहाँ बात करेंगे, तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट रूट सिग्नल हैं, वो सारा का मीनिंग क्या है और एलपी ड्राइवर इसको क्या समझता है, उसी की बात करेंगे। तो चलिए पहले एक एक करके शुरुआत करते हैं, एक एक लेके। तो थोड़े से आपके लिए, पहला सिग्नल का लाइट, कलर लाइट सिग्नल इसको बोलते हैं। ये भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, तीनों का मैं नाम लिख देता हूँ, तीन प्रकार का है। पहला इधर राइट आपके लेफ्ट साइड में है, इसे बोलते हैं रूट सिग्नल, डायरेक्ट क्या बोलते हैं? रूट सिग्नल। इसका मीनिंग भी समझेंगे सबका। उसके बाद ये बीच में जो पोर्शन है इसको बोलते हैं आप नॉर्मल रूट सिग्नल विथ किसका? इंडिकेटर लगा हुआ है, इंडिकेशन लगा हुआ है, और एक आपका लेटर के साथ लगा हुआ सिग्नल होता है, ये भी रूट सिग्नल का ही पार्ट है, लेकिन इसका मीनिंग अलग है। तो सारे इतने टाइप के सिग्नल को पढ़ने के लिए 16 टाइप का सिग्नल है, 16 या 17 कह सकते हैं, 17 सिग्नल को पहले हमने पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो पहला सिग्नल तो सब लोग जानते हैं, रेड ग्रीन वायलेट, ये तो सिग्नल आप सब लोग जानते होंगे। तो पहले सिग्नल तो जानते ही है, रेड है मतलब किसी स्टेटस में आपको इसको क्रॉस नहीं करना है, क्या है? स्टॉप सिग्नल है। दूसरा क्या है? वायलेट सिग्नल है, इसका मीनिंग क्या होता है? आपका रूट सेट है, आगे तक आप जा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट सिग्नल तक ही जा सकते हैं, कहाँ तक?
नेक्स्ट सिग्नल तक जा सकते हैं वायलेट पे, येलो भी कई जगह रहता है, यह ध्यान दीजिएगा, वायलेट के जगह पे आपको येलो भी सिग्नल मिलेगा। येलो सिग्नल पे हम क्या करते हैं, वहाँ तक जाते हैं जब तक आगे अगला नेक्स्ट फिक्स सिग्नल नहीं मिलता, वहाँ तक जा सकते हैं, उसके आगे आपका रूट नहीं है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। और ग्रीन सिग्नल है, समझ ही रहे हैं, चलते रहना है फुल स्पीड 160 किलोमीटर। अब कहेंगे कि 160 कहाँ आ गया जी, तो ट्रेन 18 भी आपको मिलने वाला है, समझना है, अभी हाई स्पीड ट्रेन भारत में ज़रूर आएगी और आगे प्रोग्रेस होती जाएगी, अभी तो टॉप स्पीड 130-132 चलती है, धीरे धीरे बढ़ेगा स्पीड। तो ये आपका ग्रीन सिग्नल, ये सिग्नल का चार सिग्नल का मीनिंग हो गया। लेकिन एक सिग्नल और है जहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखता, यानी सिग्नल बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, ध्यान दीजिएगा, सिग्नल बिल्कुल ब्लैंक है, न रेड है न ग्रीन है, इसका इंडिकेटर क्या है, इस टाइप के सिग्नल में बिल्कुल स्टॉप हो जाना है, ये रेड से भी खतरनाक सिग्नल है। अगर ऐसा सिग्नल है तो आप अपने आप नहीं चल सकते हैं, ये क्या टाइप का सिग्नल है, डिफेक्टिव सिग्नल है, नॉट शोइंग एनी कलर इज ए ट्रीटेड इज ए रेड सिग्नल, और ये डिफेक्टिव सिग्नल है। अगर वहाँ पे कुछ इंडिकेशन आपको मिलता है, कोई स्टाफ मिलता है या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तभी इस सिग्नल को क्रॉस कर सकते हैं। यानी अभी तक लोगों को आपने सुना होगा कि रेड सिग्नल खतरनाक है, रेड से ज़्यादा खतरनाक सिग्नल कौन सा है, ब्लैंक सिग्नल। अगर ब्लैंक मिलता है तो बहुत खतरनाक है, इसको क्रॉस कभी भी नहीं कीजिएगा जब तक आपको कोई इंडिकेशन इन्फॉर्मेशन या कॉशन नहीं मिले, समझ गए होंगे। तो हमारा नॉर्मल सिग्नल की बात तो हमने कर लिया, उसके बाद बात कर लेते हैं सिग्नल विथ इंडिकेशन लैंप। ऊपर की तरफ देखे होंगे 2-3-4 लाइट ऊपर की तरफ दिया हुआ रहता है, किसी में जलता हुआ रहता है, किसी में नहीं जलता है, इस टाइप के सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने बात किया था रूट सिग्नल। कौन सा सिग्नल है, रूट सिग्नल विथ रूट इंडिकेटर, रूट इंडिकेटर। और ये कहाँ लगेगा, सबसे पहली बात है जब स्टेशन से आप लीव करते हैं या स्टेशन में इंटर करते हैं और लाइन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी लाइन इधर से उधर, एक लाइन से दो लाइन, दो लाइन से तीन लाइन पॉइंट मशीन के द्वारा अलग अलग होता है, उस पॉइंट पे ये आपका सिग्नल लगता है। यानी सीधा कह दें कि एक लाइन से दो तीन लाइन अलग अलग इंडिकेट करता है, वहाँ इस सिग्नल को लगाया जाता है। हालांकि ये बेसिक इसी रेड लाइट, इसी रेड वायलेट ग्रीन और येलो, यहाँ पे कह दें इसी का पार्ट ए है, इसके ऊपर से एक रूट इंडिकेटर लगा दिया गया है। तो पहला है रूट इंडिकेटर में ऊपर की तरफ कोई लाइट नहीं जल रही है, नीचे की तरफ रेड जल रही है, इसको क्या समझिएगा, ये रेड इंडिकेटर है, कलर लाइट इज डिस्प्ले रेड व्हेन रूट सिग्नल नॉट सेट है, आगे के आपका रूट जो डाइवर्सन है वो सेट नहीं है, अभी किसी कंडीशन में आपको इसको क्रॉस नहीं करना है, अभी हमेशा उसको स्टॉप फॉलो करना है। दूसरा एक है वायलेट प्लस, ये आपका ऊपर वाला रूट दिया हुआ है लेकिन उसमें से कोई लाइट नहीं जल रही है, तो फिक्स सिग्नल है रूट विथ पोजिशन नॉर्मल प्रोवाइडेड बाई स्ट्रेट मूवमेंट ऑफ ट्रेन। जब ऐसा है इसमें क्या करना है, समझना है आपको, ये सिग्नल है, आगे आपकी टर्निंग पॉइंट भी है लेकिन आपको ट्रेन को सीधा ले जाना है, सीधा जाएगा, आपको ले नहीं जाना है, रूट आपका ऐसा सीधा है कि आपको यहाँ से डाइवर्सन नहीं मिलेगा, आपको सीधा सीधा जाना है, यानी कोई लाइट आपको नहीं जल रही है, ऊपर की तरफ है लाइट जल रही है और वायलेट है, तो आपको इस रूट में नहीं जाके आपको इधर की तरफ ट्रेन जाएगी, ये ड्राइवर के लिए इंडिकेशन है कि रूट सेट भी है, धीरे भी जाना है और धीरे के साथ साथ आपको रूट का डाइवर्सन होगा। यानी आप दिल्ली से चले हैं तो गाजियाबाद पहुँचना है तो गाजियाबाद जानेंगे, न कि आप दूसरे वाले रूट में मुड़ जाएंगे, यानी इस सिग्नल में मुड़ेंगे इसमें सीधा जाएंगे, सिंपल सी बात है, चाहे आपका रूट कहीं भी सेट हो। उसके बाद अगली सिग्नल आपके पास एक और है जिसमें ग्रीन है और ऊपर की तरफ कुछ नहीं जल रहा है, यानी आपका लाइट नहीं ग्लोइंग हो रहा है, इस कंडीशन में क्या करना है, फिक्स सिग्नल ट्रेन में भी प्रोसीड इन नेक्स्ट फिक्स सिग्नल पोजिशन नॉर्मल प्रोवाइडेड टू स्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग पॉइंट। ये अगर सिग्नल प्रवेश हो रहा है तो आपको सीधा रूट तो बना हुआ है लेकिन अगले सिग्नल तक आपको देखते हुए जाना है, आपका रूट अगले सिग्नल तक ही क्लियर है,
जब ऐसा आगा कंडीशन मिलता है, अगला सिग्नल इसके बाद नेक्स्ट क्या बताएगा उसको देख के आपको आगे की पॉलिसी बनानी है, ट्रेन चलानी है या स्टॉप करानी है। उसके बाद ये रूट बना हुआ है तो ये जान ही गए, अगले सिग्नल तक तो जाना है डाइवर्सन में, साथ में आपका रूट क्या हो रहा है, बैंड हो रहा है, अलग हो रहा है, मेन लाइन से अलग हट रहा है। समझ गए होंगे, ये हमने अभी तक डिस्कस 5-4-9 टाइप के सिग्नल को कर लिया। अब अगला सिग्नल की बात कर लेते हैं। अगला सिग्नल यहाँ दिख रहा है 3-4-9-4-13वां सिग्नल हमारे पास क्या कहता है। अब हमारे पास एक ऐसा सिग्नल है जिसके ऊपर दो बॉक्स कुछ लिखने के लिए बना हुआ है, यानी इस लिखने वाले को बोलते हैं लेटरिंग, यानी इंडिकेटर ऐसा होगा कि इसमें कुछ लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको ब्लैंक मिलता है, देखिए यहाँ पे क्या है, सिग्नल में ब्लैंक है, बिल्कुल कुछ नहीं है, तो कलर लाइट सिग्नल डिस्प्ले रेड आइडर द रूट ऑफ द सिग्नल नॉट सेट ब्लॉक एनी अदर वगैरह वगैरह, क्योंकि ये आपको ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो ये रूट क्या है आपके लिए, स्टॉप है, और आगे कुछ नहीं आपका सेट है, ना मेन लाइन ना डाइवर्सन लाइन ना कुछ लाइन। अगला सिग्नल आपके साथ इसी साथ वायलेट जुड़ेगा, ऊपर में एम लिखा हुआ है, तो एम का मतलब भी ए सिक्स सेम कहता है, ट्रेन आपको स्ट्रेट जाना है, ट्रेन क्रॉसिंग एट द पॉइंट, पॉइंट तो आएगा, रूट सीधा है, लेकिन आपको स्पीड लिमिटेशन मेन लाइन के लिए है। किस लाइन के लिए है, नॉर्मल प्रोवाइडेड ऑपरेटर का है। अगर इस कंडीशन में ट्रेन ऑपरेटर है वो कैब सिग्नल देखेगा, ऑथोरिटी ऑफ कैब सिग्नल देखेगा, उसके बाद धीरे धीरे आगे तक मूवमेंट करेगा, लेकिन मूवमेंट करते हुए भी सारी सिग्नल को देखते जाएगा। मेन लाइन के लिए हो गया, और इसमें डी लिखा हुआ है तो डी का मतलब आप समझते ही है, क्रॉसिंग पॉइंट पे आपको डाइवर्सन होगा, रूट आपका ट्रेन का रूट चेंज होगा, डाइवर्ट होगा, लेकिन उस कंडीशन में भी आपको धीरे चलना है। और एक आपका है जिसमें आपका कुछ नहीं लिखा हुआ है और किसी में आपका एस लिखा हुआ मिल जाएगा, एस कंडीशन में अगर आपको मिलता है तो एस कंडीशन आपको शो कर रहा है कि आपका क्या है, एस्पेक्ट ऑफ रेट सेट लोकेट क्लियर एंड नेक्स्ट पिच सिग्नल मे बी परस्यूड फॉर नेक्स्ट सिग्नल इज पॉइंट इज रिवर्स प्रोवाइडेड, रिवर्स प्रोवाइडेड के लिए है, और रिवर्स में प्रोवाइड होगा उस समय आपको मूवमेंट को धीरे धीरे क्रॉसिंग पॉइंट को क्रॉस करना है इस पॉइंट पे भी। तो ये सारा आपका मेन लाइन डाइवर्सन लाइन और इसके सिग्नल है। तो एम से तो जनरली मेन लाइन को इंडिकेट करता है, आपको सिग्नल है, आप जैसे ही जाएंगे वो मेन लाइन के लिए है, आपको डिग्रेडेड मोड में चलना है, कम स्पीड में चलना है, सारा ये इंडिकेट करता है। तो इतने टाइप के सिग्नल हो गया, ये इंडिकेशन भी मिल सकता है आपको, रूट मैप भी मिल सकता है, डायरेक्ट मिल सकता है। और ये सारे सिग्नल कहाँ पे होते हैं, मेन लाइन में होते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रेन की ऑपरेशन में मूवमेंट होती है, इस सारे सिग्नल को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। आगे अब चलते हैं, एक आपका बफर सिग्नल आता है, कहीं ऐसे जगह पे आपने गए होंगे मेट्रो या रेलवे में जहाँ पे आपको ऐसा जगह मिलता है उसके बाद कोई रूट नहीं होता ट्रेन का, वहाँ पे स्टॉप पॉइंट लिखा हुआ भी मिलता है कि स्टॉप हो जाइए, और हो सकता है वहाँ पे एक सिग्नल ऐसा मिला है इसके पीछे आपको नहीं जाना है, उससे पहले ही आपको इंजन को स्टॉप कर देना है। ये कहाँ पे मिलता है, या तो यार्ड में मिलेगा जहाँ आपकी डिपो होगी, जहाँ पे आपकी पानी की धुलाई होती है आपकी ट्रेन की, यानी वॉशिंग पॉइंट में मिलेगा, और कहीं भी यार्ड, जो भी यार्ड होगा जहाँ ट्रेन खड़ी रहती है मेन लाइन के अलावा, वहाँ पे आपको ये क्या मिलेगा, बफर टाइप के सिग्नल मिलेगा जहाँ पे आपको स्टॉप करना है, ये हमेशा रेडी रहता है। उसके बाद अगला रिपीटर टाइप का एक सिग्नल मिलता है, तो रिपीटर सिग्नल की बात कर लेते हैं। रिपीटर सिग्नल वैसे स्थान पे जनरली दिया जाता है जहाँ पे ट्रेन, जैसे आपकी ट्रेन है, एक ट्रेन आप लेके मूवमेंट कर रहे हैं, सीधी जा रहे हैं, लेकिन सीधी जा रहे हैं तो स्पीड अच्छी खासी बनी रहती है, लेकिन जहाँ पे ट्रेन की कर्व बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है, सीधी लाइन में डाइवर्सन भी नहीं है, लेकिन ट्रेन की कर्व बहुत, देखे होंगे आप पिछले कोच में खड़ा है तो आपको इंजन दिखने लगता है, पीछे के कोचे दिखने लगती है, वैसे जगह पे ये बफर सिग्नल का यूज किया जाता है। और बफर सिग्नल में आपको रुकना नहीं है, कुछ स्पीड लिमिट वगैरह अगर कुछ इंडिकेशन आपको लगा है उसको फॉलो करना है, और डिस्टेंस स्टॉप फ्रॉम इट इज 2 लाइट 3 लाइट देख के थोड़े से आराम से चलना है। ये कभी वायलेट और रेड ब्लिंक करेगा, कभी ग्रीन ही ब्लिंक करते रहता है,
इस टाइप के ये सिग्नल होता है जिसको रिपीटर सिग्नल कहते हैं, जिससे ट्रेन की ऑपरेशन में थोड़ा ये देखना होता है कि अगर कहीं ज़्यादा कर्व है, ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो, उस समय क्या हो सकता है, ट्रेन आपका पटरी पे स्लाइड कर सकता है, इसलिए इसको सेफ्टी के साथ पार करना होता है। अगला टाइप के सिग्नल हमारे पास है संट सिग्नल। ट्रेन आप जब आगे की तरफ ले जाते हैं तो ट्रेन पीछे की तरफ भी ले जा सकते हैं, संटिंग भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं, वहाँ ये सिग्नल का काम आता है। और इस सिग्नल को जनरली पोजीशन सिग्नल बोलते हैं, पोजीशन सिग्नल टाइप बोलते हैं। इसमें दो इंडिकेशन है, एक तो आपके खंभे के साथ लग जाती है, यानी इसको इसके इसको इसको, यानी मेन लाइन के लाइट के साथ भी ये इंडिकेशन लग सकता है, या अलग से लगा के इसको खड़ा किया जाता है। यहाँ देखिए, सबसे पहले एक एरो मार्क है, एरो का इंडिकेशन कर रहा है, साथ में एक त्रिभुज बना हुआ है, उसमें तीन लाइट जले हुए हैं, तीन लाइट जले हुए हैं। इसका मीनिंग में देखिएगा, अगर दोनों लाइट सीधा जल रही है, इसका मीनिंग है स्टॉप। समझ जाइए क्या करना है, स्टॉप करना है आपको संटिंग के टाइम में। और अगर लाइट ऐसा मिल रहा है ऊपर नीचे, यानी 45 डिग्री का ये कोण होता है, ध्यान दीजिएगा ये एंगल कितना का होता है, 45 डिग्री इंक्लाइंड में होगा, तब आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है, धीरे धीरे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ये है आपका पोजीशन लाइन सिग्नल या संट सिग्नल में काम आता है। उसी तरह ये दोनों सिग्नल वो उसी तरह के हैं। इसके बाद भी है, अगर इसमें लाइट अगर इस टाइप से है तो स्टॉप शॉर्ट सिग्नल है, थोड़ा सा रुकना है, और अगर ये लाइट जल रही है इसके साथ साथ तो थोड़े थोड़े आप आगे बढ़ सकते हैं संटिंग के दौरान। यहाँ थोड़ा सा इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, यानी स्टॉप के लिए तो देख सकते हैं यहाँ पे कैसा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का स्टॉप का कोई लाइट नहीं जलेगा या सीधा जलेगा, यहाँ पे आपको इस टाइप के लाइट जलता है। तो ये आपके सिग्नल हो गए। तो ये हो गए आपके कितने टाइप के सिग्नल, बहुत डिफरेंट डिफरेंट का। उसके अलावा भी कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं जहाँ पर आपको समझना होता है, हैंड सिग्नल। आप कभी किसी स्टेशन से क्रॉस करते हैं, वहाँ पे आपको एक सिग्नल दिखाया जाता है हैंड लाइट से, वो ग्रीन 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 रात में देखते होंगे, अप डाउन करके दिखाते हैं स्टेशन मास्टर के केबिन से। तो ये हैंड सिग्नल के प्रकार है, इसमें भी हैंड सिग्नल में अलग अलग होता है। तो रेड हैंड लैम्प, ट्री कलर टॉर्च इन नाइट में अगर दिखाया जाता है तो क्या होता है, तो इसके बहुत अलग अलग मीनिंग है, बहुत बहुत अलग अलग टाइम है। तो सब इसको सिग्नल में बहुत सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सिग्नल यही है पर्क्यूएशन के रूप में। पहला अगर कोई छोटा सा सिग्नल, हैंड सिग्नल आपको संटिंग के दौरान दिखाएगा, कोई कहीं डिपो को खड़ा कर रहे हैं वहाँ पे संटिंग होता है, ग्रीन लाइट आपको मिलता है, कहीं कहीं स्टॉप सिग्नल पे भी मिल जाता है ग्रीन, और इसके अदर और स्टॉप इंडिकेशन के लिए बहुत सारे सिग्नल यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आपको रेड, स्टेशन पे आप अगर कहीं क्रॉस कर रहे हैं तो कोई हाथ में लैंप लेके आपको रेड सिग्नल नाइट में दिखा रहा है, यानी आपको रुकना है। दूसरा आपको हैंड सिग्नल में कोई और दिखा रहा है, बोथ आर्म, दोनों हाथ उठा के आपको हेड के ऊपर हाथ रख रहा है, हाथ उठाया रख रहा है कोई स्टेशन पे, दोनों हाथ, ये भी आपका रेड रुकने का इंडिकेशन होता है। अगर कोई कह रहा है वाइट लाइट रेपिडली साइड टू साइड आपको वेविंग लाइट कोई दिखा रहा है, हाथ हिला के लाइट दिखा रहा है उजला, बार बार वेविंग करके तभी रुकना होता है। और रेड फ्लैग इन डे, अगर दिन में है तो ये रेड लाइट, नाइट में यहाँ पे झंडा आपको दिखाते हैं लाल झंडे, तब भी आपको रुकना है। चलने के लिए हैंड सिग्नल में आप जानते ही हैं, हैंड सिग्नल में ग्रीन दिखाया जाएगा दिन में, ग्रीन झंडा दिखाया जाएगा दिन में और रात में, यानी क्या कह सकते हैं, प्रोसीड के लिए। अगर आपको चलना है तो ये हैंड सिग्नल में क्या होता है, डे के टाइम है तो आपको ग्रीन झंडा दिखाया जाता है कैबिन रूम से, और आपके ELP भी दिखाएंगे कैबिन रूम को, दोनों के बीच में यही कम्युनिकेशन होता है। ट्रेन रुकता नहीं है, झंडा लहराना होता है। अगर नाइट में है तो दोनों को क्या दिखाना पड़ता है, ग्रीन लैंप दिखाना है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या एक कैबिन से दूसरे कैबिन कहीं भी क्रॉस करते हैं। इसके अलावा भी हैंड सिग्नल बहुत जगह काम होते हैं, जब आप कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई प्रोसेस होती है, वो सारी जगह पे काम आती है। तो अभी तक हमने सीखा हैंड सिग्नल, संट सिग्नल,
रिपीटेड सिग्नल, बफर सिग्नल और कलर लाइट या पोल लाइट या फिक्स लाइट सिग्नल, जो डिफरेंट डिफरेंट कार के सिग्नल होते हैं। तो इतने प्रकार के रेगुलर सिग्नल यूज करता है और इसको देखेंगे तो लगेगा कि कहीं हम दुकान में आ गए हैं, रेलवे की ये सिग्नल नहीं है, जबकि ये सारे सिग्नल रेलवे के प्रकार है। उम्मीद है कुछ आप सीखेंगे, कुछ गलतियां होगा तो आप बताएंगे, और जो क्लास में गए हैं वो ज़रूर बताइएगा ये सिग्नल पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया। थैंक यू, धन्यवाद।